सुनियो ध्यान लगा के, हाँ सुनियो ध्यान लगा के, ये कथा है श्रवण कुमार की, सुनियो जी ध्यान लगा के, सुनियो ध्यान लगा के, ओ सुनियो ध्यान लगा के, ये कथा है श्रवण कुमार की, सुनियो जी ध्यान लगा के, सुनियो ध्यान लगा के, ओ सुनियो ध्यान लगा के। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, चीता कैसेट कंपनी के माध्यम से आपने देखा श्रवण कुमार अपने माँ बाप को 68 तीर्थ धामों की यात्रा के लिए ले जाता है। तीर्थों की यात्रा कराते कराते वह सरयू नदी की तरफ जा रहा था। रास्ते में माँ बाप को प्यास लग जाती है। श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में आते हैं। श्रवण कुमार पानी भर रहा था तो दशरथ ने जानवर समझ के तीर चलाया। तीर श्रवण कुमार की छाती में लग जाता है। चीता कैसेट कंपनी के माध्यम से भाग नंबर 2 में देखिए क्या होता है। हैं? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो कोई जंगली जानवर नहीं, कोई आदमी है। ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत अनर्थ हो गया है मुझसे। जरा देखूं कौन है। हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। मर गया मां, मैं क्या करूं? प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं इसकी जान बचा सकूं। मुझे शक्ति दे प्रभु। हे मां, हे भगवान, हे मेरे मालिक, आए मां, हे भगवान, मेरे तो कित गलती होगी, अपने मां बाप ने, आए मां, मैं 68 तीर्थ दान करान खातर ले भगवान, 67 मन कर लिए, एक बाकी रह गया था। हे मालिक, यू तो पूरा करने दे, यू पूरा होया पाछा मेरे मां बाप की आंखें की रोशनी वापस आ जाती। हे भगवान, मर्द की तो गलती है मां, अरे बापू कित जांगे नदी का ना बाढ़, आए मां, मेरे मालिक, बहुत बड़ा अपराध हो गया है मुझसे। कौन हो तुम? आए मुझे बताओ कौन हो तुम? मैं बहुत दुखिया, वो दुखिया आदमी, मेरे तीर मार दिया किसी ने, मेरे तीर मार दिया। ये गलती मुझसे हुई है। अरे पापी, मैंने तेरा की बिगाड़ा था, ये तीर मेरे क्यों मारे तुमने? मैंने जानबूझ के नहीं मारे तीर, मैंने सोचा कि कोई जानवर यहाँ पानी पीने आया होगा, और मैंने आवाज पर तीर चला दिया। मुझे नहीं मालूम था, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुमने ऐसा अपराध कर दिया, आए मां, 7 जन्म भी नहीं भूल पाओगा। अरे भले मानस, मेरा सिर से कराओ, मेरा सिर से कराओ।
मैं मर गया मेरी लकड़ी का सजान मेरा सर गोजा मैं भर ले। मैं मर गया मेरी लकड़ी का सजान मेरा सर गोजा मैं भर ले। बाहर मैं मर गया मेरी लकड़ी का सजान मेरा सर गोजा मैं भर ले। कहता है भाई मैं तो मर गया तुम क्यों रो रहे हो लेकिन मेरा काम करो मेरे माता पिता आंधे हैं उनको पानी पिला के आना। कैसे बता रहा है मेरी बात भूप तू सुनिए मेरी बात भूप तू सुनिए रो रो के न शरण धुनिए रो रो के न शरण धुनिए रगुनिए कुछ कर हर दे मैं ज्ञान मेरा सर गोजा मैं भर ले। मैं मर गया मेरी लकड़ी दा सहजान मेरा सर गोजा मैं भर ले। बाहर मैं मर गया मेरी लकड़ी दा सहजान मेरा सर गोजा मैं भर ले। मेरे माता पिता दसाए मेरे माता पिता दसाए सुन के दशरथ चकराए सुन के दशरथ चकराए हम आए करके गंगा स्नान मेरा सर गोजा मैं धर ले। हम आए करके गंगा स्नान मेरा सर गोजा मैं धर ले। मैं मर गया मेरी लकड़ी दा सहजान मेरा सर गोजा मैं धर ले। जाके नीर पिलाइए उन जाके नीर पिलाइए तू अपना ना नाम बताइए तू अपना ना नाम बताइए फिर जाइए मेरी इन बातां पे जान मेरा सर गोजा मैं धर ले। तो लाइए मेरी इन बातां पे जान मेरा सर गोजा मैं धर ले। मत मर गया मेरी लकड़ी दा सहजान मेरा सर गोजा मैं धर ले। बाहर मैं मर गया मेरी लकड़ी दा सहजान मेरा सर गोजा मैं धर ले। बता रहे हैं श्रवण कुमार कि भाई तुम जाओ मेरे माता पिता को पानी पिला देना लेकिन अपना नाम मत बताना और ये मत बताना कि मेरे से ऐसा काम हुआ है नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। एक बात के द्वारा वो बता रहे हैं कैसे छंद कर सन सर मन गाया छंद कर सन सर मन गाया मित भस्म बना देंगे काया वो तेरी भस्म बना देंगे काया फिर पाया मन सतगुर चंदर बान मेरा सर गोजा मैं धर ले। मन पाया जो सतगुर चंदर बान मेरा सर गोजा मैं धर ले। फिर मैं मर गया मेरी लकड़ी दा सहजान मेरा सर गोजा मैं धर ले। फिर मत मर गया मेरी लकड़ी दा सहजान मेरा सर गोजा मैं धर ले। हे युवक कौन हो तुम मैं श्रवण कुमार यहां क्या करने आए थे अपने अंधे मां बाप को तीर्थ यात्रा करवाने खातिर ले आया था
रास्ते मन में प्यास लग गई, माड़ा पानी लेना आया, तूने मेरा यो तीर मार दिया, यो तीर मार दिया। नहीं, ये तीर मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मैंने तो जानवर समझकर ये तीर छोड़ा था जो तुम्हें आ लगा। तुम कौन हो? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। ठीक है, जो होना था वो हो गया, मेरी एक आखिरी तमन्ना है। कहो, मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं, शायद मेरे पाप का बोझ कुछ हल्का हो जाए। इन झाड़ियों के पीछे मेरे माँ बाप प्यासे बैठे हैं, उनको जाकर के पानी पिला दो। जरूर पिलाऊंगा। एक काम करना। कहो। उनको जाकर के यह मत बताना कि मेरे हाथों से श्रवण कुमार को तीर लगा है। वो पानी नहीं पिएंगे, और वो पानी नहीं पिएंगे तो प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे और तुम्हें शराब दे देंगे। मेरा आखिरी समय आ गया है, मेरे माँ बाप को। नहीं नहीं नहीं, किसान लेगा हंस ओडारी खड़ा देखता छतरदारी, ओ किसान लेगा यो हंस ओडारी रे खड़ा देखता छतरदारी, ले गायो हंस ओडारी रे खड़ा देखता छतरदारी। सुनारे बाग पड़बे न माड़ी जड़ गे ये फूल टूट गे डाली, सुनायो बाग पड़बे न माड़ी जड़ गे ये फूल टूट गे डाली, कली कली मर जारी रे खड़ा देखता छतरदारी, ले गायो हंस ओडारी रे खड़ा देखता छतरदारी। बड़ गे वे चोर कुटी के अंदर, बड़ गे ये चोर कुटी के अंदर, बुझ गया ज्योति सुना है मंदिर, बुझ गया ज्योति सुना है मंदिर, माया ते लुटगी सारी रे खड़ा देखता छतरदारी, ले गायो हंस ओडारी रे खड़ा देखता छतरदारी। पांचोर दस का खेल रयाना, छह बारह का मेल रयाना, पांचोर दस का खेल रयाना, छह बारह का मेल रयाना, लेगा समेट मदारी रे खड़ा
देख था से तरदारी ले गयो से ओडारी रे खड़ा देख था से तरदारी गावो दशरथ आँख में सड़ता रे गावो दशरथ आँख में सड़ता बन पिंजरे से पंछी रे चलता बन पिंजरे से पंछी रे चलता बस दुनिया ये सारी रे खड़ा देख था तरदारी ले गयो से ओडारी रे खड़ा देख था तरदारी बताते हैं कि राजा दशरथ वहां सोच में हो जाता है कि हे भगवान मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं कैसे बताया चंद्रवान चल जाना गोली चंद्रवान चल जाना गोली देख कृष्ण ने ज्ञान लठोणी देख कृष्ण ने ज्ञान लठोड़ी इब तेरी जमे वारी ओ खड़ा देख था से तरदारी ले गया वो हंसे ओ डारी रे खड़ा देख था से तरदारी गालो हंसे उड़ारी रे खड़ा देख था तरदारी सरवण के बाबू हाँ सरवण की माँ सरवण में केवा गनिया बार ला दिया आया कोनी आ जाएगा कि तब बेचारा पानी ले आओगा दूर दूर पानी पाओगा उसने उड़े आ जाएगा वो जब हमने न्यू बेरा होता अकितनी दूर पानी से तम क्या छोरे दुखी कराए अए नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार सरवण की माँ घना फिक्र ना करे तेरे एक छोर आ जाए तो घना फिक्र करे आ जाएगा मैं के बताऊं मेरा तो मन पकड़ सा रख्या से जी दुखी हो रहा है कदे छोरे का कुछ हो ना जा देख कुदरत की माया ने नुका आग्रह है होनी बनी होन की खातिर लिखी रेखा ने कौन मिटावे और जो बंदे के कर्म में फल से वैसा ही पावे श्रवण की माँ चिंता मन ना करा जाएगा के करो मेरा तो ऐसा मन हो रहा से जनो कह न बांध दिया बहुत करड़ा घबरा रहा से आए घबरा तो मेरा भी रास है आ, क्या मैं पैड़ सी तो सुनी हाँ मैंने भी सुनी आए क्या मेरा बेटा सरवण है ए बेटा सरवण है सरवण है ना रे बोलता क्यों ना बेटा बोलता पड़े बोल पड़ बेटा रे के बात से बेटा हम तो कोई सी गलती होगी कि तू बोलता को नहीं एक पैर हो लिया मैं कर्जा पकड़ी बैठी सो चोरे का कहते के मैं हो गया हो बोल बेटा सरवण है रे बोल पड़े रे तेरे पाया की आवाज आई तू बोलता कोनी सरवण बेटा ए बेटा सरवण अरे रे तेरे मन में तो कुछ बेईमाना ना आ गया से कदे पहले हम की डाल के राया मांगता हो बता दे बेटा रे बोल के बता दे बोल रे बेटा सरवण ना बोलता दे के रे बात हुई बेटा क्यों तड़फा से बेटा बोल पड़े बोल
अरे इसी तेरे मन में केस है, तू न्यू तो बता दे बेटा। ए सरवण, अरे हमने पहले चिंता हो रही है, इतनी बार तो तूड़ा लगाया यार, तू आके भी ना बोलता बेटा। अरे बेटा सरवण बोल पर ना, मारा तो कर दा पटन हो रहा है मेरी माया। अरे बोलिए रे मेरा लाल भाई, कितनी देर लगाई कसर बन बोल बोल बोल, भाई कितनी देर लगाई कसर बन बोल बोल बोल, कसर बन बोल बोल बोल, कसर बन बोल बोल बोल, भाई कितनी देर लगाई कसर बन बोल बोल बोल, बता कितनी देर लगाई कसर बन बोल बोल बोल। बता क्यों इतनी देर में आए कचंता ने हम गणे सताए, बता क्यों इतनी देर में आए रहां चंता ने गणे सताए, ले हम कब के रे मरे तसाए, रकावड़ खोल खोल खोल, भाई कितनी देर लगाई कसर बन बोल बोल बोल, भाई रे कितनी देर लगाई सरवण बोल बोल बोल, सरवण बोल बोल बोल, सरवण बोल बोल बोल, भाई कितनी इतनी देर लगाई सरवण बोल बोल बोल। कह रहे हैं भाई हम दोनों बतला रहे थे तेरी माता और मैं, तो इतने में तेरी आवाज पैरों की सुनाई दी, तो हमने कान लगा करके सुना शायद हमारा बेटा ही आ गया हमारे को पानी पिलाने के लिए। कैसे बता रहे हैं भाई, हम दोनों बतलाम सुन के पेड़ बाजती आम, भाई हम दोनों बतलाम सुन ले पेड़ बाजती आम, ओ पप के कान लगाव रया जी गोल गोल गोल, भाई कितनी इतनी देर लगा ओ सरवण बोल बोल बोल, भाई कितनी इतनी देर लगा ओ सरवण बोल बोल बोल, ओ सरवण बोल बोल बोल, सरवण बोल बोल बोल, भाई कितनी इतनी देर लगा ओ सरवण बोल बोल बोल। तने छो मैं ना हम कैंडेर, तने छो मैं ना हम कैंडेर, हम बेसक सानो अंधेर, हम बेसक सानो अंधेर, ओ तेरी सेवा से पंधेर ले लिए मोल मोल मोल, भाई कितनी इतनी देर लगाई ओ सरवण बोल बोल बोल, के ले लिए मोल मोल मोल, सरवण बोल बोल बोल, भाई कितनी इतनी देर लगाई ओ सरवण बोल बोल बोल। बता रहे हैं ये पुत्र, ये दुनिया तेरा यश गाएगी अगर वे अपने अंधे माता पिता की शरण कुमार ने किस प्रकार सेवा की। कैसे बता रहे हैं, दुनिया गावेगी तेरे दर्शन, दुनिया गावेगी तेरे दर्शन, इसी सेवा कर दी किसने, इसी सेवा कर दी किसने, दर्शन लाल भजन के रचने, पीले गोल गोल गोल, ओ पीले रे गोल गोल गोल, सरवण गोल गोल गोल, ओ बाबा कितनी इतनी देर लगाई ओ सरवण बोल बोल बोल, वाहरी किस्मत मु
मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ अंधे माता पिता कितने व्याकुल हैं अपने बेटे के लिए, और मैं इनको बता भी नहीं सकता कि मैं श्रमण नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। तो पिला दूं। रे रे भाई, नो जबरदस्ती पानी मुंह का मतलब बेटा, न्यू कति नहीं पीवा हम, के तो हमने बोल की पानी पिया दे, और ना बेटा न्यू पानी हम नहीं पीवा। रे क्या कर रहा है, जबरदस्ती मुंह पानी गेरने लग रहा भाई, कति नहीं पीवा, के तो तू श्रवण को नहीं ना, फिर तू बोल के बता दे। ना बेटा मैं ना पीऊं, तो अपने बाप ने पिया दे। शर्मन है वो, शर्मन बेटा कौन से यो मुंह के लाओ है पानी, मन ने देखता हो तो मैं बताऊं तने। रब बोलता क्यों ना तो हम प्राण ताक देंगे, बिना बोलने बिना पानी नहीं पीवांगे। इतना नफरत का पानी बेटा को नहीं पीवा, जितनी इतनी नफरत हो रही है ना, तो हम तो साए मर जाए, पानी को नहीं पीवा। के तू बोल पड़े एक बार बोल पर भाई, श्रवण के बाबू मन तो ऐसा लग गया श्रवण को नहीं। रे रे तू 24 घंटे मारी सेवा में लग रहा करता बेटा, मां मां करती तेरा मुंह सुक्या करता, हर आज तो हमने बोल के बिना सुनाता। ए मेरे कालजे की कौन, ए मेरे लाल, रे एक बार बोल के सुना दे बेटा। श्रवण की माँ ये तो कोई और लग गए, के बताऊ मैं कैसे बिना बोली के मेरा पत्ता मैं। यो श्रवण को ना कोई और ऐसे, इसका के पानी पीवांगे बिना बोले, हम तो अपने प्राण त्याग देंगे। ए बेटा रहन दे का ख्याल करके बोल पड़े, एक बार बोल के बता दे तू श्रवण से कोई और से, देखे मेरा कर्जा पकड़ रहा क्या है, एक बार बोल के बता दे बेटे, रहन दे का कर ले ख्याल क्या हुआ। अरे भाई तू कौन सा एक बनू बता दे, मेरा तो बदन मजाल से उठे से। अरे भाई तुम बता दे क्यों उठा ने फोड़ना हो रहा है, बिना बोले पानी नहीं पीवा, हमने अपने प्राण त्याग देंगे बिना बोले नहीं पीवांगे, तुम नहीं बता दे से कौन बस। रे बोल पड़े, रे न्यू तो हम समझ गए, अब तुम्हारा बेटा श्रवण को नहीं कोई और से, पर हमने न्यू तो बोल के बता दे अग तू से कौन। अब मुझसे और ज्यादा इनका तड़फना नहीं देखा जाता, मुझे इनको बताना ही पड़ेगा कि श्रवण मेरे हाथों धोखे से मारा गया। श्रवण के बाबू हमारे मर जाएंगे, तड़प तड़प नहीं बोलेगा, इतना कति पानी नहीं पीवांगे। हमने कट के कहने लाग रही हूँ। बोल पड़ बेटा बोल पड़, अरे कुछ तो कह के बता दे, तेरे मन में केस है, अब तू सह कौन न्यू बता दे। मैं राजा दशरथ हूँ। तुम्हारा बेटा किस है वो अरे कुछ बताता तू, बोलता सही कुछ। बात ये है। अरे कैसा है कि मैं बोल रहा भीगा, यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का बहुत आतंक है। फिर मेरे बेटे ने कोई जंगली जानवर तो ना ले गया है? नहीं। तो का मेरा तो मन पकड़ा गया था। फिर आपका बेटा पानी लेने गया था, वो तो हमने बेरास है कि माँ का बात भी बताता होगा, बता दे। जब वो पानी भर रहा था तो पानी की गुड़ गुड़ की आवाज सुनकर मैंने सोचा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है, मैंने तीर चला दिया।
रे फिर के होया? वो तीर आपके बेटे की छाती में जाकर लगा। रे जिनके मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। अरे अन्याई, तने तुम्हारा नाश कर दिया रे, पहले दुखी जन तो तने और दुगना दुख कर दिया रे। अरे अन्याई पापी, अरे के मिल गया तने मारा बेटा मार के ने हम कान दे दे वो दुख पावांगे दुख पा रहे हम। राजा नहीं तू कसाई है, तू कसाई का भी कसाई है। मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके बेटे की तरह आपकी सेवा करूंगा। फूक दे तेरे बेटा जरवाने, तूने मारा तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मारे बेटे पर क्या करो, तू क्या सरवन बनेगा? तू तो पापी, पापी मेरा बेटा तो कीड़ी भी मार के ना जी नहीं था। तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी, एक निर्दोष की हत्या कर दी। तूने अपने स्वार्थ में मारा बेटा मार दिया, तूने अपने शिकार के स्वार्थ में मार दिया। नहीं नहीं नहीं, तुमने क्या मेरा हमने किन कुर्बानियां तुम्हारा बेटा हुआ था और के कुर्बानी दे रखी था हमें इस बेटा के पैदा होने में। आज मेरा बेटा उस कुर्बानी का बदला देन का तेरा हमने कंध ठाई ठाई अंदर था। अरे तना नहीं खोजिया मारा बेटा, ओ नहीं। अरे एक बात तो बता दे, ओ मारा बेटा किठा हमने उड़ा ले चाल भाई करायो एहसान बतेरा एक बार। कम से कम हमने उधर पूछा तो दे, उसकी लाश तो रहा था पूछा दे दो भाई। मैं आपको वहां ले चलता हूँ, चलो ले चल। अरे बेटा जरूर मैं प्यारी अपनी जान भी को किसी जानियो तो बता दे कितने दूर लेके चल रहा बेटा रे बता दे रात गोटे टूट लिए मार दिए तेरे दाम पानी उठते। ये रहा तुम्हारा बेटा, काशी है ले आज लिया दे बेटा जरूरे। ए मेरा लाल सुन, अरे बीच में छोड़ के डगेरिया बेटा केरा ग्राए मेरा पहले मन पकड़ रहा क्या था बेटा सरवणे, हम किस मौत करने जाएंगे, हम कदम उठे नहीं जाएंगे बेटा। दादा हमारे पापी हत्या है। अरे मरा ये दो प्राणी और तेरे सिर होंगे। अरे मरा तो नुआरे जानते कि हमने नहीं मरा गया रे। दे दोनों करे गलाप रोमे अपने लाल ने, दोनों करे गलाप रोमे अपने लाल ने। रे बेटा दोनों करे गलाप रोमे अपने लाल ने। Okay.
कहने दोनों डंगरे ओए सुन कहने दोनों डंगरे बना पागला के सा डंगरे बना पागला के सा डंगरे मारे मर के आप नुरोम पिने लाल में तन मारे मर गए अपने रोम अपने लाल में दोनों कर गलाप रोम अपने लाल में हमने भी ओ ठाल राम रे हमने भी ओ ठाल राम रे मारक रे गाई बकाम रे मारक रे गाई बकाम रे ओई धरती कर गात रोम अपने लाल में रोम ओई धरती कर गात रोम अपने लाल में बेटे दोनों करे गलाप रोम अपने लाल में मारी कति तो उठिया जरे मारी कति उठिया सरे तेरा जाइयो सतना सरे तेरा जाइयो सतना सरे मैयो काला साप नुरोवे अपने लाल ने तेरे लड़ियो काला साप नुरोवे अपने लाल ने वे दोनों करे गलाप रोवे अपने लाल ने रे बेटा जरवन रे तू न्यू देखा था कदे माँ बाप तू क्यों जा रहा तू अपने न्यू छोड़ के तो गिर गया न्यू भी ना सोची मारे माँ बाप गल के बनेगी अरे पापी अच्छारे मानस काने तो हमारा बेटा मारता दिया ये कमीज़ कमीज की चिंता तो तैयार कर दे अरे से गलवा मारे बेटे की लाश भी बिरान हो जाएगी जंगली जनावर खा जाएंगे अभी करता हूँ तुमने चारा करिया अरे बेटा सुनवाने अरे एक बार खोल के देख तेरे माँ बाप का क्या हाल है बेटा बेटा रे रे बोल बेटा अरे शर्मन बोल रे बेटा हम क्या करा बेटा तू पे छोड़ दिया हमने मैं नाम तेरी चेताव जो के मरांगे आओ नहीं जीता ले मरांगे हम जीना नहीं चाहते क्या कहूँ ऊपर जीवा बेटा मारा नहीं रहा आपने भी बेटा मैंने चिता तैयार कर दी है रहता इस लाश में भी लुटा दे उस पे बेटा सुतरी डाल लुटाई है मेरे बेटे लाल करो मैं राजा दशरथ ये काम और कर दे कर दे भाई मेरा आखिरी काम कहो भाई अरे राजा दशरथ भाई पानी और डाबे आ दे अभी लाता हूँ ये लो डाब और पानी ले आया हूं लाओ आप चिता के ऊपर क्यों बैठे हैं बैठे हैं भाई नीचे आ जाओ नहीं हम दोनों अपने बेटे की चिता में दलकर मरेंगे मैं आपके बेटे की तरह आपकी सेवा करूंगा नहीं होगी हमारी सेवा तो ले हम तने शराब देते हैं
जैसे अपने बेटे के बेहोग में हम दोनों मर रहे हैं, ऐसे ही तू भी पुत्रों के बेहोग में खत्म हो जाएगा तड़प तड़प के। नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके पुत्र की तरह आपकी सेवा करूंगा। बेटे की गैल मरण देने इबजी कह के करना से, बेटे की गैल मरण दे इबजी कह के करना से, वो बेटे की गैल मरण दे इबजी कह के करना से। मारे यो चाटी और हो जाएगी तेरी तबीयत काटी हो जाएगी, मारे यो चाटी और हो जाएगी तेरी तबीयत काटी हो जाएगी, तेरी रे रे माटी हो जाएगी न्यूतन भी मरना से, बेटे की बेला मरलन दे इबजी कह के करना से, वो बेटे की गैला मरलन दे इबजी कह के करना से। कहते हैं वो श्राप देते हैं कि जाओ तेरे चार पुत्र हों लेकिन घर में कोई नहीं रहे और तेरी तीनों नार रोती रहे, कैसे बताया? तेरे हो जा ये पुत चार ले, तेरे हो जा ये पुत चार ले, सब पावे घर तबार रे, तेरे हो जा भाई पुत चार ले, सब पावे घर तबार रे, तेरी रोवे तीनों नार रे, यू रो रो दुख भरना से, बेटे की गैला मर लेन दे इबजी कह के करना से, वो बेटे की गैला ओ मर लेन दे इबजी कह के करना से। जब पाते घर बेरा हो जा घोर अंधेरा, तन्ने जब पाते गा बेरा हो जागा घोर अंधेरा, यो साप समझ ले मेरा वो कब्यवार से गिरना से, ए बेटे की गैला मर लेन दे इबजी कह के करना से, वो बेटे की गैला ओ मर लेन दे इबजी कह के करना से।
बताते हैं राजा दशरथ को, मुनि और डालक शराब दे देते हैं और जाते जाते क्या बता रहे हो? दर्शन लाल नहीं पावेगा, बख्त कराया वेगा, दर्शन लाल नहीं पावेगा, जब बख्त कराया वेगा, मेरी बात जमाना गावेगा, यो छंद धरना से बेटे की गैला मरलन दे, इमजी कहके करना से बेटे की गैला ओ मरलन दे, इमजी कहके करना से।